डीएमसीएच में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में देखे गए मरीज, परिजनों ने व्यवस्था पर उठाए सवाल। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल कहलाने वाला दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच के गहन चिकित्सा पक्ष आईसीयू विभाग में आज शुक्रवार को लगभग एक घंटे तक बिजली गुल रही। बिजली कटी रहने के कारण मरीजों के बीच अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं इसी अंधेरे के बीच चिकित्सा कर्मी मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज करते दिखे। वहीं वार्ड में जितनी देर तक बिजली कटी रही, मरीजों के परिजन मोबाइल का लाइट जलाकर अपने अपने मरीज के करीब नजर आए। समस्या के संबंध में मरीज से लेकर परिजनों ने भी बताया कि दरभंगा डीएमसीएच के सरकारी अस्पताल की यह स्थिति आज की नहीं है, आए दिन यह स्थिति उत्पन्न होती रहती है। वहीं आईसीयू वार्ड में लगा हुआ एसी भी सही से नहीं चलता, शौचालय की स्थिति भी बदतर है और बिजली की व्यवस्था सही नहीं है। साथ ही अन्य कई तरह की समस्याओं एवं कमियों के बारे में परिजनों ने बताया और कहा कि व्यवस्था और सिस्टम में कमी रहने के कारण यह स्थिति है। 20 मिनट सुबह से ही आती है जाती है। अभी कितने देर से लाइन कट रहा है? अभी आधा घंटा से। अच्छा, क्या कारण यहाँ पे बताया जा रहा है, इम्पोर्टेंट वार्ड है? कारण तो यहाँ के विभाग के इंचार्ज है, वही बताएंगे, हम लोग क्या बता पाएंगे। क्या कहेंगे डीएमसीएच का जो व्यवस्था है, क्या कहेंगे इस व्यवस्था को? आखिर कौन जिम्मेदार है, सरकार या यहाँ का जो डीएमसीएच के एडमिनिस्ट्रेशन है? देखिए सर, हम तो बाहर से आए डीएमसीएच का, तो हमको कोई पता ही नहीं चला कि डीएमसीएच है। ये सरकार का दुर्भाग्य है जो डीएमसीएच का ऐसा व्यवस्था, हम देख के तो बहुत ही क्षुब्ध हैं। ऐसा व्यवस्था होना चाहिए तो हमको तो समझ में ही नहीं आ रही है कुछ भी। मरीज के परिवार हैं आप? हाँ। 20 मिनट से भी अधिक समय से लोग बता रहे, आधा घंटे से कटा हुआ आईसीयू वार्ड है। कितनी दिक्कत हो रही है इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है लाइन का? अभी भोजन कुछ खा पी रहे थे, कितनी दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे डीएमसीएच बाथरूम में? अंधेरा है, बोल नहीं है, पेशेंट जाते हैं, गिर जाते हैं, गिर गया मेरा पति उसी में, अंधेरा में गया। तो आखिर इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? किसको मानेंगे? हॉस्पिटल को मानेंगे ना, किसको मानेंगे? क्या कहेंगे, व्यवस्था पूरी तरह से चरमराया हुआ है? ठीक है, आधे घंटा। अच्छा, कौन सा वार्ड है ये? आईसीयू। अच्छा, कहाँ का? चलेगी डीएमसीएच है ना, डीएमसीएच है। आप बताइए कौन सा हॉस्पिटल है? कौन हॉस्पिटल है ये? डीएमसीएच है। अच्छा, कितनी दिक्कत हो रही है? मोबाइल जला के अंधेरा हो गया, लाइन कटा हुआ है, मोबाइल जला के काम कर, कितनी दिक्कत हो रही है? न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल्स, हज उमराह ज़ियारत 16 अक्टूबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 10 नवंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 20 दिसंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 15 जनवरी 2024, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, उमरा वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, तो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम ये है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी। 95,000 के पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के की, मदीने की, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं जिनको? पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारा, और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी इन्वॉल्व नहीं।